गाइस सामान देखिए, ये चेक करें ऊपर से नीचे पूरा सामान। और आज भी जाएंगे उधर भी साइकिल दुकान नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा है इंडिया भी, बहुत बड़ा है ऐसा लगता था यार जब से ये ट्रैवलिंग कर रहा है यार। अभी तो छोटा पड़ गया यार। ओ भाई, ओ भाई, ये क्या कर रहे है तू भाई? सामान बहुत ज्यादा है इसलिए तो एक्सीलेटर पर आओ। अच्छा, इसमें एक्सीलेटर भी है तुम्हारे साइकिल में? कल हम लोग पहुंचने ही वाले हैं केदारनाथ मंदिर और आप लोगों को लाइक दस। मॉर्निंग गाइस, आज का वीडियो शूट हो रहा है तिलवाड़ा से, तिलवाड़ा ना, और आज का वीडियो शूट हो रहा है तिलवाड़ा से। और यहाँ से केदारनाथ मंदिर ज़्यादा दूर नहीं, 80 किलोमीटर है। और गाइस हम लोग बहुत जल्द, मतलब कल हम लोग पहुँच जाएंगे केदारनाथ मंदिर और आप लोगों को लाइव दर्शन दिखाएंगे। और गाइस कल रात से मेरा तबीयत भी खराब हो गया, बहुत खांसी खांसी भी आ रहा है। और कल हम लोग जो खांसी नहीं रे, खोकी वही बताए। और हम लोगों ने जो दवाई इसके लिए, इसका तबीयत तो थोड़ा आराम हो गया, अभी मेरा तबीयत खराब हो गया गाइस। और सुबह सुबह हम लोगों ने चाय भी पी लिया, अभी हम लोग अंकल जी हमारे लिए नाश्ता बना रहे, वो नाश्ता खा के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। आरूप सांग ऑर्डर दी सुबह आरूप सांग खा भी आरूप सांग आरूप सांग आरूप सांग आरूप सांग आरूप सांग तो यहाँ से फटाफट से अपना बैग सामान पैकिंग करके और नाश्ता करके आपसे मिलते हैं। हम लोगों ने सुबह का ब्रेकफास्ट कर दिया और गाइस सुबह हम लोगों ने चार चार रोटी खाए और पैसा काट दिया एक थाली का। तब हमने पूछा कि एक थाली में कितना रोटी, बोल रहे सात, कितना, छः, और छः छः रोटी का, और मतलब कि प्लेट का ही पैसा काट लिया और दिया। हम लोगों ने खाया चार चार। और गाइस ए थोड़ा बंद करना, पानी बंद कर, एक मिनट बंद कर देना। तो हम लोगों ने बोला कि भाई अंकल जी थाली का पैसा काट दिया। मैंने बोला, अरे तूने तो बोला, क्या बोला था अभी बोल दे, बता दे। मैं पूछा बिल कितना, बोला 180 कैसे हो, बोला थाली के हिसाब से। फिर मैंने पूछा एक थाली में कितना रोटी आता है, बोला छः आता है। तो हम लोग तो चार चार रोटी खाए और पांच रोटी किधर गया यार, मैं इसे थोड़ी ना छोड़ने वाला, बनाओ रोटी और पैकिंग करके दो, बोला। तो अभी रोटी बना रहे और निकलेंगे। आसाम का बंदा ना, आसाम का बंदा भाई। और यहाँ से हम लोग रूम से चेकआउट करने का टाइम भी हो चुका है, अभी बज चुका है 9। और अभी यहाँ से केदारनाथ मंदिर ज्यादा दूर नहीं, और 80 किलोमीटर है गाइस, बहुत जल्द हम लोग पहुँचने वाले हैं केदारनाथ और आप लोगों को लाइव दर्शन कराएंगे गाइस। इंस्टाग्राम और यूट्यूब में लाइव आएंगे और आपको लाइव दर्शन कराएंगे। तो यहाँ से फटाफट से निकलते हैं, वहाँ से हम लोग नाश्ता वास्ता, सुबह का नाश्ता वास्ता करके निकल चुके हैं। और ये देखिए गाइस, मेरा ये ब्रेक काम नहीं कर रहा, ये देखो पैदल मार रहा हूँ लेकिन ये वाला ब्रेक काम नहीं कर रहा है, ये देख सकते हैं। और आगे साइकिल दुकान भी नहीं मिल रहा है, और एक साइकिल दुकान मिला लेकिन वहाँ पर वो सामान नहीं है, इसका जो डिस मशीन है वो ख़राब हो चुका है। और उस अंकल के पास डिस मशीन भी नहीं था, और अक्षय का ये जो डंडा दिख रहे हो ना वो टूट गया है। और गाइस 8 किलोमीटर जाने के बाद ही हम लोगों को साइकिल दुकान मिलेगा, और इसे ढलान और अपडाउन में हम लोगों को बहुत दिक्कत होने वाला है, इधर सावधानी से जाते हैं। और गाइस ये जो नदी देख रहे हो ना, ये अलकनंदा नदी है, अलकनंदा और भागीरथी मिलके जो गंगा नदी बना है वही पे ये जुड़ने वाला है। और आगे का वो सीन हम आप लोगों को दिखा देंगे, ऐसे ये ढलान हम लोग पार कर लेते हैं। ग्राउंड देखना वीडियो का। अच्छा, अब कहाँ से हो? मैं रुद्रप्रयाग से। अच्छा, हम लोग तो आसाम से आ रहे हैं। आसाम से साइकिलिंग से भैया, आगे पे साइकिल दुकान मिलेगा, साइकिल दुकान मिलेगा आगे, साइकिल का वहाँ मिल सकता है, मार्केट है ना बड़ा। इसके ये ब्रेक काम नहीं कर रहा है, मिल जाएगा आगे लग जाएगा। हाँ, थैंक यू, ठीक है, मिलेंगे आपको। हाँ जी, आप तो पहुँच जाएंगे नारायण कोटी में ना। हाँ, वैली पैड है नारायण कोटी में, नारायण आप गुप्त का से क्रॉस करोगे। हाँ, नारायण कोटी पड़ेगा हैली पैड, ठीक है, उसके आगे पे एक होटल पड़ेगा आपके उल्टे हाथ से, हाँ मिडवे होटल एंड रेस्टोरेंट, वहाँ पर रखना, वहाँ पर मिलेंगे हम आपको, ठीक है, चलिए पानी पी के जाते हैं, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। आइडिया इतना आइडिया आपकी, संजीव एनएस, हाँ थोड़ा सा। तो गाइस भैया ने हम लोग को रुकने बोला तो रुक लेते हैं।
भैया ने हम लोगों को रुकाया और उन्होंने हम लोगों को उन्हीं के घर में रुकने के लिए, उनका मतलब कि वहाँ पर लॉज है वहाँ पर रुकने के लिए रुका किया। और गाइस जो हमारे आसाम का बंदा नितिन, आप लोग तो जानते हैं उसको, वो भी उनके ये लॉज पे रुका था 4-5 दिन और उनसे भी पैसा वैसा भी कुछ नहीं लिया और हमसे भी ना किसी की करे। तो मिलता है थोड़ी देर के बाद, उनसे भी बात किया, उनसे हमारा इंस्टाग्राम आईडी लिया और बोला किया और फ़ोन नंबर भी लिया और उन्होंने बोला कि आपको लोकेशन भेज देंगे। ऐसे एक साइकिल दुकान मिला, वो अपना सारा सामान वामान भी सब उतार दिया। अभी अंकल जी देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब ए टू जेड देख लेना क्या क्या बीमारी है सब कुछ। आगे पे तो साइकिल दुकान नहीं मिलेगा ना, आगे नहीं। अभी जा रहे हैं आप लोग? जा रहे हैं हम लोग केदारनाथ। अभी जा रहे हो? हाँ, केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ भी जाएंगे, उधर भी साइकिल दुकान नहीं मिलेगा ना। तो अंकल जी हमारा साइकिल देख रहे हैं और सामान देखिए कितना गाइस। और गाइस मैंने एक रास्ते में स्लीपिंग बैग भी ले लिया हम लोगों ने तीनों, और तीनों का पड़ा 3500 तीन का। और गाइस एक आसाम का बंदा मिल जाएगा जो और सामान वो लाने के लिए। और ये देख सकते हैं आप अंकल हमारा देख रहे हैं, बेडशीट भी ले लिया, ये देख सकते हैं ये पड़ा हम लोगों को 350 रुपया। और ये स्लीपिंग बैग तीन लिया, ये हम लोगों ने तीन लिया, तीन का पड़ा 1050 और ये तीन लिया 3500। गाइस आज लोग हम लोगों का खर्चा ही खर्चा हो गया, ये देख रहे हो। भैया आगे ठीक है? आगे वाला ठीक है? हैं? आगे वाला ब्रेक ठीक है ना? और क्या दिक्कत है? ये दो दिक्कत है बस। खोल ले तो साइकिल पूरी फाइनली गैस अपना साइकिल का काम हो चुका है। ये देख सकते हैं जो ब्रेक नहीं लग रहा था वो ब्रेक लग गया और ठीक कर गया। और ये जो फ्रीवेल है ना वो 350 का चल जाएगा बोल रहे अंकल जी, और आगे पे 350 चलने के बाद ये चेंज करने के लिए बोल रहा था तो चेंज कर लेंगे आगे पे। और गैस सामान वामान भी फटाफट से तेल लगा लेते हैं। और ये देखो बेडशीट भी ले लिया, या फिर स्लीपिंग बैग भी ले लिया। और अपना भाई का आज अब काम चालू हो रहा है, जो ब्रेक का इशू था वो काम चल रहा है। ऑयल लेने के लिए क्योंकि हमारे पास ऑयल भी ख़त्म हो गया था, इसकी वजह से हम लोग को जो यह साउंड था ना किटकिट वाला साउंड, वो साउंड दे रहा था। गाइस आज तो पूरा हम लोगों का खर्चा ही खर्चा हो गया, पूरा खर्चा। सो हेलो जी गाइस, हम लोग तो साइकिल ठीक कर रहे थे, अभी ये अपना आसाम का एक भाई मिला जो ये है। अपना नाम बता दे। मेरा नाम है विराज लिम्बो। और कहाँ से हो? मैं आसाम से हूँ, लेकिन मेरा साइकिलिंग स्टार्ट किया था केरला से, कन्याकुमारी होके कश्मीर लद्दाख कंप्लीट करके अभी यहाँ फिलहाल पे उत्तराखंड में हूँ देवभूमि में। यहाँ से केदारनाथ का दर्शन, बाबा का दर्शन करके अभी फिलहाल वापस आ रहा हूँ, बद्रीनाथ जा रहा हूँ। तो उसी वक्त हम लोगों को भाई लोगों ने मिला, भाई लोगों के साथ अभी बातचीत हो रहा है, उन लोगों का भी साइकिल थोड़ा सा ठंडा ठंडा दिले। और ঠিক আছে বাইক লগ পালো ভাল লাগিলে। আর আমার লগত অল আসাম রাইডও করিব বলি কইছে, তেতিয়া আমি একেলগত যাম, আমি চারিটা আর কোনোবা কোনোবা যোগাব পারিলে পাৰিব পাৰিব পাৰিব। ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰে
আমার তো বহুতে নম্বরও ললে বহুতে নম্বর ললে রাইড করব আপনার লগত রাইড করি নম্বর দিব মানে দম লাগে নম্বর দিব হবে तो यहाँ से हम लोग निकले अपना साइकिल उकल भी सब चुक हो गया अभी रूप का थोड़ा इशू था ब्रेक का वो भी हम लोग दिखा देंगे वो देखिए गाइस सामान देखिए ये चेक करें ऊपर से नीचे पूरा सामान और आज हम लोग जहाँ पे रुकेंगे वहाँ पर थोड़ा सामान वामान भी हम लोग कम करना पड़ेगा क्योंकि गाइस बहुत वजन है इसमें तो 20 किलो 10 किलो ये देखिए सूस ये देखिए गाइस और आगे पे ये भी लेना पड़ा हम लोगों को ये भी 350 का लिया और ये पड़ा हम लोगों को 1160 रुपया गाइस आज हम लोगों का बहुत ही खर्चा हो गया बहुत मतलब बहुत ही खर्चा हो गया आज ही तो है जो ना 2000 खर्च कर चुके विमान दिन खर्च हुआ नहीं जितना हो गाइस एक दे आज ही मुझे हेल्प मांगी बोले गूगल पे कोड़ी दी बस मेरे मुझे नंबर दो आज उपाय नहीं कोड़ी बोले एकदम पॉकेट खाली 500 मान हो नहीं कि मुझे पॉकेट 500 से एक दिन तक खाना खा ले यार तो जीतो दाम 250 बोले एक का खाली 3 टाइम खाना खा ले गोल तो यार कहते हैं हम लोग यहाँ से निकलते हैं और भाई ने जो ठंडा दिया तो वो भी पी लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं उसके काम से हो चुका है और गाइस केदारनाथ जाने वाला रास्ता पर एक ही साइकिल दुकान मिलेगा जो अगस्त में नहीं है और ये साइकिल दुकान है अपना तो सब कुछ है काम हो गया और देख रहे सामान कितना है अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि गाइस हम लोग सब कुछ काम हो और जो अक्षय भाई का ब्रेक लगा था इसका 300 रुपये ले लिया मेरा सिर्फ चेन खींच दिया था उसका भी 80 रुपये ले लिया कमाने के लिए बोला था लेकिन नहीं कमाया लेकिन क्या बात करें और मजबूरी भी हम लोग उनको देना पड़ा और दे दिया अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और भाई को भी वायदा कर दिया अभी ये भी ले लिया ये टूट गया अरे बोला था तुमको खींचा मत करो ऐसा हो गया ना चलो अच्छा वो पहले लगता था यार दुनिया बहुत बड़ा है इंडिया भी बहुत बड़ा है ऐसा लगता था यार जब से ये ट्रैवलिंग कर रहा है यार अभी तो छोटा पड़ गया इंडिया घूम यार खत्म ही हो गया आधा इंडिया खत्म कर रहा कभी कभी सोचा था कि साइकिल लेकर पूरा इंडिया घूमेंगे नहीं 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 सोचा था जब मैं निकल गया तब और निकलने से पहले बहुत सारा क्वेश्चन था दिमाग में क्या होगा ऐसे यहाँ से यहाँ सोने का क्या होगा खाने का क्या होगा रहने का क्या होगा है ना अभी सब बहुत धीरे धीरे सब हो गया अभी तो लगता है इंडिया तो इतना छोटा हो गया कहीं ना कहीं एक ही लोगों से कभी कभी 2-3 बार टकरा रहा है तो ऐसा लगता है यार इंडिया तो अभी घूमना कहाँ है कभी ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर से भी टकराएंगे जरूर और हम लोग तो अभी बातें भी हुई है ना तो कांटेक्ट भी होते रहेगा बातें भी होते रहेंगे कभी है ना फुर्सत में बात करेंगे अच्छे से ठीक है भाई ठीक है भाई आराम से जाइए आप लोग भी लाएंगे ठीक है जाओ सो गाइस वहाँ से हम लोग साइकिल उकल बना के ठीक करके अभी निकल चुके हैं और देख सकते हैं कितना बड़ा जाम है वो पूरा वहाँ तक है ठीक है से हवा ठीक है से गाइस आगे चेक करें इतना जाम है तो फटाफट से जाम पार करो तो आपसे मिलते तो ठीक है हम लोग साइकिल उकल बना के आ चुके तो थोड़ी देर आने के बाद एक भंडारा मिला और गाइस हम लोगों का भोजन करने का समय भी एक भोजन भंडारा दिखा वहाँ पर हम लोगों ने दोपहर का नाश्ता कर दिया और गाइस वहाँ पर भंडारा पे दाल आलू और चावल और अचार मिला गाइस इतना मस्त लगा खाना वहाँ पर हम लोग खाना वाना खा के फिर से निकल चुके हैं और यहाँ से आज हम लोग जाने वाले हैं गुप्तकाशी और गाइस गुप्तकाशी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है 10 किलोमीटर एक हम लोग जो रास्ते ने रुकाया था मेरे को जो भैया ने उन्होंने बोला कि मैं सारा बंदोबस्त कर दूँगा तुम लोग गुप्तकाशी में आ जाना तो यार अभी यहाँ से डायरेक्ट गुप्तकाशी जाते हैं वहीं से मिलते और मेरा तो साउंड थोड़ा बदल रहा है आप लोगों को पता चल गया होगा मेरे से कल रात से पूरा खांसी आ रहा था और दवाई ववाई भी लिया लेकिन कुछ कम नहीं हुआ गाइस क्या अगर हालत बहुत ही ख़राब हो रहा है और सामान भी बहुत ज़्यादा है गाइस ये चेक करें सामान इतना सारा सामान गाइस हालत ख़राब हो रहा है मेरा आगे भी सामान पीछे सामान पूरा सामान ही भरा रहे और फटाफट से और बारिश भी आने वाला है देखिए गाइस मौसम भी ख़राब होने को है और गाइस इतना दूर सर भी बहुत दर्द कर रहा था इसलिए यहाँ पर हम लोग रुके और गाइस ये रास्ते के किनारे रुके थे फिर थोड़ी देर के बाद गाड़ी आ रहा है फिर हम लोगों को हटाना पड़ रहा है फिर रो रहे और ऐसे ही करते रहे अभी फटाफट से यहाँ से जाते हैं और गुप्तकाशी से आप सब लोगों से मिलते हैं फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं गुप्तकाशी और जो हम लोग रास्ते में मिला हुआ भैया हम लोगों को रहने का ये इंतजाम कर दिया यहाँ पर हम लोग रहने वाले थैंक यू भैया नमस्कार जो
ये हम लोगों को रहने के लिए जगह दे दी। ये देख सकते हैं, ये अपना सब भाई लोग हैं और चार्ज करने के लिए वोट है। और यहाँ से केदार मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, 45 किलोमीटर है। और कल हम लोग पहुँच जाएंगे और परसों दिन आप लोगों को लाइव दर्शन कराएंगे भोले बाबा। और इस वीडियो पे ही बन करते, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के। और गाइस जल्दी जल्दी बात के करा तो प्लीज़ गाइस बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, घर जाने से पहले हम मेरे भगवान के करा देना प्लीज़ गाइस प्लीज़।